खंडवा बड़ौदा मार्ग पर बोराण नदी पर पुल का निर्माण हो रहा है। पुल के बीच प्रसिद्ध देवी श्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर परिसर में आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया, लेकिन रास्ते के मेन रोड पर मोड़ आने के कारण दुर्घटना घट सकती है। इसलिए माताजी मंदिर के सामने गति अवरोधक नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। अगर समय रहते इस मार्ग पर गति अवरोधक नहीं बनाया गया तो बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं मंदिर समिति अध्यक्ष हीरालाल पाटीदार और देवेंद्र मंडलोई ने भी माताजी मंदिर के सामने गति अवरोधक बनाने की मांग की। सैगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या पुलिया के वहाँ रास्ता नहीं होने से क्या परेशानी हो रही है वहाँ पे? माता जी को उधर से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल सकड़ा रास्ता है, तो वहाँ टेपर अगर बन जाए तो उन्हें तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। माता जी के वहाँ जाने के साइड में टेपर नहीं होने के कारण दुर्घटना घट सकती है। हाँ, दुर्घटना घट सकती। रास्ता बहुत सकड़ा है, 12 फीट का रास्ता है वहाँ पे। क्या नाम लिखते हैं? हीरालाल पाटीदार। मेन रोड पर माता जी के रास्ते के सामने गति अवरोधक की क्यों मांग कर रहे हैं? गति अवरोधक की मांग इसलिए कर रहे हैं कि पुल का काम कभी 1-1.5 महीने और चलेगा, तब जाके दूसरा हिस्सा चालू होगा। और अभी फिलहाल में जो हिस्सा जहां से रास्ता बना हुआ है वहां से गाड़ी जब वापस हम आते हैं माता जी से तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, और यहां पर मेन रोड होने के कारण गाड़ियां फर्राटे से दौड़ती है और जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। और अंदेशा क्या है बना हुआ है, मेरे ख्याल से दुर्घटना होगी। क्या नाम लिखा? देवेंद्र मंडलोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।